बीवीएस इंटर कॉलेज, 13 शिवकुटी रोड, प्रयागराज। विषय संस्कृत, कक्षा 9, गद्य खंड। विषय अध्यापक मैं वीवी सिंह। बच्चों, आज आप लोगों को पाठ भारतवर्षम संस्कृत गद्य भारती खंड कक्षा 9, संस्कृत गद्य भारती खंड कक्षा 9 पाठ 5 भारतवर्षम की शीर्ष गद्यांशों का सन्दर्भ है, हिंदी अनुवाद समझा रहा हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक को खोल करके ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को समझिए और दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखकर विद्यालय में अवश्य चेक कराइए। तो आइए बच्चों, आज शेष भाग का संदर्भ है हिंदी अनुवाद, समझिए। तो पैराग्राफ संख्या 3 का हिंदी अनुवाद मैं समझा रहा हूँ। भारतस्य दक्षिणाश्याम दिशि हिंद महासागर है। तो संदर्भ में लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती खंड के भारतवर्षम नामक शीर्षक पर उद्धृत है। इसमें भारत की सीमाओं को व्यक्त किया गया है और आगे अग्रिम पैराग्राफ में पड़ोसी देशों के विषय में बताया गया है। तो भारतस्य दक्षिणाश्याम देशी प्रस्तुत गद्यांश में भारत की सीमाओं और इसके प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में भी व्यक्त किया गया है। भारतस्य दक्षिणाश्याम देशी भारत के दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्राच्याम बंग समुद्र, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, प्रतीच्याम अरब सागर च वर्तते और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो भारत के दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। पश्चिमोत्तर दिग्भागे पश्चिम उत्तर की दिशा में संप्रति इस समय पाकिस्तान पाकिस्तान, पूर्वोत्तर अस्मिंचा और इसके उत्तर पूर्व की दिशा में बांग्लादेश तिष्ठति, बांग्लादेश स्थित है। तो पश्चिम उत्तर की दिशा में इस समय पाकिस्तान और इसके पूर्व उत्तर की दिशा में बांग्लादेश स्थित है। पूर्वम इमौ अपि अस्माकम्, पूर्वम पहले, इमौ ये दोनों, अपि भी अस्माकम् हमारे, भारतस्य एव भागवास्ताम्, भारतस्य एव भारत के ही भागवास्ताम्
भाग थे। राजनीति कारणात्, राजनीतिक कारण से विदेश नाम षड्यंत्र, षड्यंत्राणाम विदेशियों के षड्यंत्र से, अस्माकम एव एकस्य वर्गस्य, हमारे ही एक वर्ग के कतिपय नेतृणाम हठ धर्मिताया च, कुछ नेताओं की जिद के कारण से पार्थक्यम संजातम, अलग हो गया। तो पहले ये दोनों भी हमारे भारत के ही भाग थे, राजनीतिक कारण से, विदेशियों के षड्यंत्र के कारण से, हमारे ही एक वर्ग के कुछ नेताओं की जिद के कारण से अलग हो गए। दक्षिणश्याम दिशि, दक्षिण की दिशा में भारत से दूरतमो भूभाग भारत का सुदूरवर्ती भूभाग कन्याकुमारी नामना प्रसिद्ध हो, कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। तो दक्षिण की दिशा में भारत का सुदूरवर्ती भूभाग कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है, यत्र जहाँ त्रयाणाम सागराणाम संगमो, तीन समुद्रों का संगम भारतस्य चरण प्रक्षालनम कुर्वन, भारत के चरणों को धोता हुआ अक्षय पावनताम भजते, अत्यधिक पवित्रता प्रदान करता है। तो दक्षिण की दिशा में भारत का सुदूरवर्ती भूभाग कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ तीन समुद्रों का संगम भारत के चरणों को प्रच्छालित करता हुआ, भारत के चरणों को धोता हुआ पवित्रता प्रदान करता है। पारे समुद्रम, पारे सागरम चतुर्योजन मात्रे, पारे सागरम समुद्र पार, चतुर्योजन मात्रे मात्र चार योजन पर, मात्र चार योजन पर श्रीलंका नामा अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते, श्रीलंका नामक हमारा पड़ोसी देश है। तो सागर पार मात्र चार योजन की दूरी पर श्रीलंका नामक हमारा पड़ोसी देश है। एतदप न जात विस्मरणीयम, एतदप यह भी न जात विस्मरणीयम, नहीं भूलना चाहिए, यह भी नहीं भूलना चाहिए, यत हिंद महासागरे लक्षद्वीप नामा, कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप नामक, बंग समुद्रे अंडमान नामा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह चापि, द्वीप समूह भी अस्माकं भारतस्य अविच्छिन्नो प्रदेशो स्तः, हमारे भारत के ही मिले हुए प्रदेश हैं। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप नामक और बंगाल की खाड़ी में अंडमान नामक द्वीप समूह भी हमारे भारत के ही मिले हुए प्रदेश हैं। गुर्जर महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिल आंध्र उत्कल बंग राज्या नाम भूमि, गुर्जर गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल राज्यों की भूमि सागरम स्पृशति, सागरम समुद्र को स्पृशति, स्पर्श करती है,
समुद्र को छूती है। तस्मात एते तटीय प्रदेशा कथ्यन्ते, तस्मात इसलिए एते ये सभी तटीय प्रदेशा तटवर्ती प्रदेश कथ्यन्ते कहे जाते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल राज्यों की भूमि समुद्र को स्पर्श करती है, इसलिए ये तटीय प्रदेश कहे जाते हैं या तटवर्ती प्रदेश कहे जाते हैं। यत्र अनेकानि महान्ति पत्तनानि विद्यन्ते, यत्र जहाँ अनेकानि अनेक महान्ति पत्तनानि बड़े बड़े पत्तन विद्यन्ते स्थित हैं, येषु जिन पर असंख्य जलपोता नाम सहायन अनेकों पानी के जहाजों की सहायता से वैदेशिकैः विनिमेया नाम पड़या नाम निर्यातम आयातम चा क्रियते। तो विदेशी व्यापार मुद्राओं में आयात और निर्यात किया जाता है। तो जहाँ अनेक बड़े बड़े पत्तन हैं जिन पर अनेकों पानी के जहाज़ों की सहायता से विदेशी व्यापार या विदेशियों के साथ व्यापार मुद्राओं के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता है। प्राचीन काले अपि, प्राचीन समय में भी, प्राचीन काले अपि, प्राचीन समय में भी भारतवर्षस्य नौ परिवहन व्यवस्था अतीव समृद्धा आसीत्। भारतवर्ष की नौ परिवहन व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी, अत्यधिक समृद्ध थी। प्राचीन समय में भी भारत की नौ परिवहन व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी। अनेकैः द्वीपैः देशांतरैः च साकम्, अनेकों द्वीपों और विदेशों के साथ सागर मार्गेण वाणिज्यम प्रचलति अस्म, समुद्री मार्ग से व्यापार प्रचलित था। एवमेव सागर तटीय जलेषु, एवमेव इसी प्रकार से सागर तटीय जलेषु समुद्र तटों पर जल में मत्स्य ग्रहण व्यापारों अधुनातनों मछलियां पकड़ने का व्यापार अधुनातनों महान उद्योग पड़ता है, इस समय के बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इसी प्रकार से समुद्र तट के जल में मछलियां पकड़ने का व्यापार इस समय के बड़े उद्योग के रूप में परिवर्तित हुआ है। प्रकृति देव्या भारते महती कृपा वर्तते, प्रकृति देवी का भारत पर बड़ी कृपा है। षड्भिः ऋतुभिः विराजमानम्, छह ऋतुओं से सुशोभित, ऋतुचक्रमात्रयो परिवर्तते, ऋतुओं का चक्र यहीं परिवर्तित होता है। तो छह ऋतुओं से सुशोभित ऋतुओं का चक्र यहीं पर परिवर्तित होता है, यहीं बदलता है। सूर्य चंद्रमसो प्रकाशो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश
यथा अत्र प्रसरति, जैसे यहाँ फैलता है तथा संसारस्य अल्पेषु देशेषु स्याति, वैसा संसार के कम ही देशों में होता है। तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जैसे यहाँ पर फैलता है, जैसे यहाँ पर होता है, वैसा संसार के कम ही देशों में होता है। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य च, सूर्यास्त और चंद्रमा के अस्त होने का, सूर्य चंद्रयोः अस्त गमनम बेलायाः, सूर्य चंद्रमा के अस्त होने के समय का, मनोरमाणि दृश्याणि सुंदर दृश्य, यथा अत्र भवन्ति जैसे यहाँ होता है, तथा न अन्यत्र वैसा दूसरी जगह नहीं। सकले भारतीय देशे, संपूर्ण भारत देश में नदी नाम प्राकृतिकम जालम प्रसृतम, नदियों का प्राकृतिक जाल फैला हुआ है। एन अत्रत्या भूमि ही, एन जिससे अत्रत्या भूमि, यहाँ की भूमि उर्वरा संजाता, उपजाऊ हो गई है। तो संपूर्ण भारत देश में नदियों का जाल फैला है, नदियों का प्राकृतिक जाल फैला है, जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ हो गई है। सिंधु वितस्ता, शतद्रु, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि सरित उत्तर भागे। तो सिंधु, व्यास, सतलज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां उत्तर भाग में, चर्मणवती, नर्मदा, नर्मदियो मध्य भागे, चमोली और नर्मदा मध्य भाग में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरिसार, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और व्यास, महानद्यादयः च और महानदी दक्षिण भागे प्रवहंती, दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं, दक्षिण भाग में बहती हैं। एतासाम तटेषु हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदीनि, एतासाम तटेषु, इनके किनारों पर, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदीनि, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि, बहूनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते, बहूनि बहुत से तीर्थस्थानानि, तीर्थस्थान विद्यन्ते, स्थित हैं। तो सिंधु, बेतवा, सतलुज, सरस्वती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां उत्तर भाग में, चमोली, नर्मदा आदि मध्य भाग में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, व्यास और महानदी दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं। इनके तटों पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान स्थित हैं। यत्र प्रतिदिनम सहस्रो यात्रिणः, यत्र जहाँ प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, सहस्रो यात्रिणः हजारों यात्री, स्नानम कृत्वा धर्मम चिन्वन्ति, स्नान करके धर्म का चिंतन करते हैं। जहाँ प्रतिदिन हजारों यात्री स्नान करके धर्म का चिंतन करते हैं, विशेषेषु अवसरेषु
विशेष अवसरों पर तु कुंभ सदृशान मेलकानि भवन्ति, तो कुंभ जैसे मेले होते हैं। विशेष अवसरों पर तो कुंभ जैसे मेले होते हैं। यत्र देशस्य प्रतिकूलतः सहस्रो लक्षसो जनाः, यत्र जहाँ देशस्य प्रतिकूलतः देश के प्रत्येक कोने से सहस्रो लक्षसो जनाः, हजारों लाखों लोग आगत सम्मिलन्ति, आकर मिलते हैं। जहाँ देश के प्रत्येक कोने से हजारों लाखों लोग आकर मिलते हैं। देशस्य वास्तविकीम एकताम चा वाचम विनयो सुतराम मुखरियंती, देश की वास्तविक एकता वाचम विनायो बिना कहे ही सुतराम मुखरियंती पर्याप्त मात्रा में प्रतीत होती है, व्यक्त होती है। तो देश की वास्तविक एकता बिना कहे ही मुखरित होती है। भारतस्य वनानां शोभनां परमहृदया, भारतस्य वनानां शोभापि, भारत के वनों की सुंदरता भी परमहृदया मन को अच्छी लगने वाली है। हिमालयेषु देवदार वृक्षाणाम उच्छायो गगनम चुंबति, हिमालयेषु हिमालय पर देवदार वृक्षाणाम देवदार वृक्षों की उच्छायो गगनम चुंबति, ऊंचाइयाँ आकाश को चूमती हैं। तहि सागर तटीय प्रदेशेषु, तो समुद्र तटीय प्रदेशों में नारकेल पुंगादि वृक्षाणाम घनावनराजः, नारियल सुपारी आदि के वृक्षों के घने वन, समुद्र जलम आत्मनो, समुद्र के पानी में, समुद्र के जल में अपने आप को दर्पणम युव आकलयंती, दर्पण के समान परिलक्षित होती हैं। तो हिमालय पर देवदार के वृक्षों की ऊंचाइयां आकाश को चूमती हैं, तो समुद्र तटीय प्रदेशों में नारियल सुपारी के वृक्षों के घने जंगल समुद्र के जल में अपने आप को या स्वयं को दर्पण के समान देखते परिलक्षित होते हैं। प्राकृतिक सुषमा कारणात एव, प्राकृतिक सुंदरता के कारण से ही कश्मीर तो पृथ्वी अस्थ स्वर्ग एव मन्यते, कश्मीर को तो पृथ्वी पर स्थित स्वर्ग ही माना जाता है। अस्माकं राष्ट्रगीते भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां, अस्माकं राष्ट्रगीते हमारे राष्ट्रगीत में भारतस्य प्रमुखानां प्रदेशानां भारत के प्रमुख प्रदेशों का, पर्वतानाम नदीनाम चा कीर्तनम वर्तते, पर्वतों और नदियों को व्यक्त किया गया है या कहा गया है। तो हमारे राष्ट्रगीत में भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों को व्यक्त किया गया है। अप्रश्मिन चा और दूसरे वंदे मातरम इति आख्ये, वंदे मातरम इति, वंदे मातरम ऐसे आख्य गीते चा, प्रसिद्ध गीत में अस्याह भुवः, इसकी भूमि को सुजलत्वम सुफलत्वम, सिंचित अच्छे फल प्रदान करने वाली सस्य श्यामलत्वम चा वर्णयन्ते, और फसलों से हरी भरी व्यक्त किया गया है, हरी भरी होने का वर्णन किया गया है।
और वंदे मातरम ऐसे प्रसिद्ध गीत में इसकी भूमि सिंचित, अच्छे फल देने वाली और फसलों से हरी भरी होने का वर्णन किया गया है। अयम अस्माकं भारत देशः संसारस्य गुरुः अप्युच्यते। तो प्रस्तुत गद्यांश में भारत देश के महत्व को व्यक्त किया गया है कि प्राचीन काल में भारत देश का विश्व में कितना महत्व था। हिंदी अनुवाद, अयम अस्माकं भारत देशः, यह हमारा भारत देश, संसारस्य गुरुः अप्युच्यते, संसार का गुरु भी कहा जाता है। न केवलम उपनिषदाम उत्तर वेदांतस्य चाध्यात्मिकता, न केवल उपनिषदों को उत्तर वेदांत का और आध्यात्मिकता का श्रुति स्मृत्यादिषु प्रतिपादितो श्रुतियों स्मृतियों आदि में व्यक्त किए गए नैतिक आचार तथा विविध सिद्धि प्रदाता नैतिक आचरण तथा विभिन्न सिद्धियों को देने वाले योग अभ्यास यो अद्यत्वे अपि, योग अभ्यास ही आधुनिक समय में भी विदेशिया नाम आकर्षण कारणम, विदेशियों के आकर्षण का कारण है। एन ते अधुना अनेकेषु आश्रमेषु, जिससे वे इस समय अनेक आश्रमों में अत्र शांतिम मृगयमाणाः, यहाँ शांति की खोज करते हुए साधनाम कुर्वन्ति, साधना करते हैं। न केवल उपनिषदों का, उत्तर वेदांत का और आध्यात्मिकता, श्रुतियों स्मृतियों आदि में व्यक्त किए गए नैतिक आचरण तथा विभिन्न सिद्धियों को देने वाले योगाभ्यास ही इस समय भी विदेशियों के आकर्षण का केंद्र है या विदेशियों के आकर्षण के का कारण है, जिससे वे इस समय अनेक आश्रमों में यहाँ शांति की खोज करते हुए साधना करते हैं। स्वदेशेषु अपि तथा विधान, और अपने देशों में भी उस प्रकार के आसमान चा संस्थापयन्ति, आश्रम की स्थापना करते हैं, और अपने देशों में भी उसी प्रकार आश्रम की स्थापना करते हैं। हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायन उद्भाव्य, हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदाय को बना करके भक्ति मार्गम अवलंबन्ते, भक्ति मार्गम अवलंबन्ते अपिचा, भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए और काम अर्थ विति, काम अर्थो इति पुरुषार्थ द्वये अपि, और काम अर्थ ऐसे दो पुरुषार्थ भी भारतस्य प्राचीनानाम उपलब्धिम, भारत की प्राचीन उपलब्धि को बहुमन्यते, अत्यधिक मानते हैं। तो हरे कृष्ण आदि अनेक संप्रदायों को बना करके भक्ति मार्ग का सहारा लेते हुए काम अर्थ ऐसे दो पुरुषार्थ भी भारत के प्राचीनता की उपलब्धि को बहुत मानते हैं। वात्स्यायनम चाणक्यम चा अनुधृत्य यौन विज्ञानस्य राजनीति विज्ञानस्य चा इतिहासम अपि प्रारब्धुम न पारयति। वात्स्यायन चाणक्य के द्वारा व्यक्त किए गए
यौन विज्ञान, राजनीति और राजनीति विज्ञान, इतिहास भी प्रारब्ध नहीं पाते हैं, पार नहीं पाते हैं। अनुलिख्यचा सुश्रुतम, अनुलिख्यचा सुश्रुतम और सुश्रुत के द्वारा लिखे गए न शल्य विज्ञान विज्ञान न शल्य विज्ञान से आविर्भाव प्रस्तौत शक्यते। सुश्रुत के द्वारा लिखे गए शल्य विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान के आविर्भाव को न आविर्भाव प्रस्तौत तुम न शक्यते को प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो सुश्रुत द्वारा व्यक्त किए गए या सुश्रुत द्वारा लिखे गए शल्य विज्ञान के आविर्भाव को प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ तक तुम लोगों को आज बता रहे हैं, इसके आगे जो है अगले टर्न पर तुम्हें समझाएंगे। ये जो आज बताया गया है पारे सागरम से लेकर महान उद्योगह पंडितः तक और अंतिम गद्यांश में अयम अस्माकम भारत देश, यहाँ से लेकर के प्रारब्धुम न पारयन्ति यहाँ तक का गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद तुम लोग लिखोगे और विद्यालय में इसे चेक कराओगे।